एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों का दिन था, इसीलिए दरबार खुले में और धूप के नीचे ही लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे। दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के सारे लोग बैठे हुए थे। राजा के सामने एक मेज रखवा दी गई थी। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आया और बोला कि मुझे राजा साहब से मिलना है, कि मेरे पास दो चीज़ें हैं और मुझे राजा साहब की परीक्षा लेनी है। और ये बात राजा साहब तक पहुंच गई तो राजा साहब ने बोला कि आने दीजिए, और उस आदमी को दरबार में आने की इजाज़त दे दी गई थी जो कि खुले में लगा हुआ था। राजा के सामने वह आदमी पहुंचा और इजाज़त लेकर बोला, और राजा साहब बोले बताओ क्या बात है। और उस इंसान ने बोला, राजा साहब मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक जैसी दिखने वाली और एक असली है और एक नकली, जो कि एक कांच है और दूसरी है हीरा। लेकिन मैं कई राज्यों में गया हूँ, लेकिन कहीं भी और कई राजाओं से मिला भी हूँ, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि इसमें कौन सा असली है और कौन सा नकली। और अब आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है कि नहीं, जो ये बता सके कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। और अगर किसी ने यह बता दिया तो मैं यह हीरा आपके खजाने में जमा करवा दूंगा, और अगर नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत देनी होगी। बस ऐसे ही मैं जीत कर चला गया। अब राजा साहब ने कहा, चलो ठीक है, लाया जाए। राजा साहब के सामने जो मेज रखी हुई थी उस पर उन दोनों चीज़ों को रख दिया। उनमें एक हीरा था और एक नकली हीरा। राजा साहब ने अपने दीवानों से कहा, मंत्रियों से कहा, सब लोगों से कहा कि एक एक करके आइए और इसकी परख कीजिए। तब कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने मना कर दिया। सोचा कि अगर गलत बोल दिया तो राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, और तो फिर लोग आगे नहीं आए। राजा साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, यहाँ तो उनकी हार होती ही जा रही थी। तभी भीड़ में से एक अंधा आदमी निकल के सामने आया और उन्होंने कहा कि मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब ने कहा, चलो ठीक है, इनको भी मौका दे दिया जाए। जब कोई मान ही नहीं रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है तो इनको भी एक मौका दे दिया जाए। वो अंधे बाबा फिर आगे आए और उन्होंने एक मिनट में बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा। हर कोई चौंक गया और हर कोई खुश हो गया, और सब बोलने लगे, क्या बात है, राजा साहब का सम्मान बच गया आज। और बोलने लगे, राजा के राज्य में एक नया हीरा आ गया। और अब क्या था, हीरे को तिजोरी में रखने की तैयारी होने लगी। लेकिन इस सब के बीच में राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आपने पहचाना कैसे? बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान था, हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, और जो धूप में गर्म हो गया वही नकली है और वही कांच है, और जो ठंडा हो गया वही हीरा है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और नाराज़ होते हैं और अपनों से नाराज़ होते हैं, और हमारी ज़िंदगी में दोस्त कम होते चले जाते हैं, अपनों से दूर होते चले जाते हैं और रूठते चले जाते हैं, और जितने ज़िंदगी में आपा नहीं खोया और विपरीत परिस्थितियों में कठिनाइयों में खरा उतरा और ठंडा रहा वही जीता है और वही सिकंदर कहलाता है। थैंक यू फॉर रीडिंग दीज मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ, एंड ऑल्सो इट विल चेंज माइंड सेट। दीज मोटिवेशनल स्टोरी कम फ्रॉम लॉट्स ऑफ माइंड सेट of successful people. Thank you so much. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और अगर हो सके तो वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें।
सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक यू।